हेलो दोस्तों, डिश न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर दो चैनल में कुछ चेंजेस हो गई है। अगर आपके पास एमपीजी 2 बॉक्स है तो उसमें आप देख पाएंगे कि एक चैनल जहां पर आप म्यूजिक का 9XM देख रहे थे, अब वहां पर आपको 9XM की जगह जिंग चैनल देखने को मिलेगा। और 9XM कहाँ पर देख सकते हैं? 9XM को शिफ्ट कर दिया गया है अपर LCN पर। तो जहाँ पर आपका जिंग चैनल चल रहा था, अब वहाँ पर आप देख पाएंगे 9XM, यानी दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। दोनों की ट्रांसफ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है। MPG 2 बॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्कैन करना होगा जहाँ पर ये चैनल जिंग मिल रहा है उसको, और 9XM जहाँ पर मिल रहा है दोनों को डिलीट कर दीजिए। मेन्यू को बटन प्रेस करके एडिट प्रोग्राम में चले जाइए और वहाँ पर जाकर इन दोनों चैनल्स को डिलीट कर दीजिए, और फिर रीस्कैन करेंगे तो आपके ये चैनल इन्हीं के नाम से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास MPEG-4 बॉक्स है तो उसमें आपको मेन्यू का बटन प्रेस करना है और सैटेलाइट में चले जाना है, जहां पर आपको ट्रांसफ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी और सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसफ्रिक्वेंसी पर चले जाइए, या आप सैटेलाइट को स्कैन करेंगे तो भी ये चैनल आपकी अपडेटेड चैनल लिस्ट में अपडेट हो जाएंगे। तो दोनों को अपडेट करने का यही तरीका है, या तो डिलीट कर दीजिए या फिर रीस्कैन कर दीजिए। अगर 9XM की फ्रिक्वेंसी ऐड करके आप स्कैन करना चाहते हैं तो फ्रिक्वेंसी नोट कर लीजिए 11090 vertical 29500। तो ये रहेगी 9XM की। और अगर आप जिंग चैनल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रिक्वेंसी डालनी होगी 11510 vertical 29500। तो इन फ्रिक्वेंसी को भी आप स्कैन करके अपनी चैनल लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी और नई अपडेट में, तब तक धन्यवाद।